दोस्तों आपने बहुत सारे फूल देखा होगा अपने लाइफ में, क्या आपने कभी ट्रांसपेरेंट फूल देखा है या आपने मैजिक फूल देखा है? और दोस्तों दुनिया का सबसे अनोखा कुत्ता कौन सा है दोस्तों, जो इंसान के शक्ल का होता है? दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसा ही फैक्ट आपको बताएंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आप एंड तक देखें। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जो आप फूल देख रहे हैं अगर इसे हम मैजिक फूल कहते तो या कोई गलत बात नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब यह बारिश होता है दोस्तों, जब इस फूल में बारिश होगा तो बारिश के दिनों में ट्रांसपेरेंट हो जाता है यह फूल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और अब नॉर्मल जैसे कि ठंडे के दिनों में या गर्मियों के दिनों में यह फूल ऐसा दिखता है, जो कि यह बहुत अनोखा फूल है और एक मैजिक फूल दोस्तों, जिसका नाम डिफेलिया है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने बहुत सारे टायर देखे होंगे लेकिन सारे टायर ब्लैक होते हैं दोस्तों, सारे गाड़ियों के टायर ब्लैक होते हैं। और आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि सारे टायर ब्लैक ही क्यों होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि 1888 ईस्वी में उस टाइम सारे टायर सफ़ेद होते थे, क्योंकि रबड़ जो होता है ना सफ़ेद ही होता है, जैसा कि आप इरेजर भी देख सकते हैं वो सफ़ेद होता है, इसलिए सफ़ेद होता है। और आजकल तो कलर कलर के आ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, उस टाइम जब टायर सफ़ेद बनाया जाता था तो वह टायर ज़्यादा टिकाऊ नहीं था दोस्तों, और बहुत कमज़ोर था, जो गर्मी होता है सूर्य का जो गर्मी होता है उसे ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता था और जल्दी से पिघल जाता था। इसलिए जब साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा खोज के बाद ब्लैक कार्बन और वाइट को मिक्स करके दोस्तों उसमें ब्लैक टायर बनाया गया दोस्तों, और वो ब्लैक टायर बहुत ज़्यादा मजबूत था पहले के टायर से, इसलिए आज तक ही उसको ब्लैक टायर को ही यूज़ किया जाता है और वो जल्दी घिसता नहीं दोस्तों। और भी अपने लाइफ में वही टायर देखेंगे ब्लैक ही। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने अपने जीवन में बहुत सारे कुत्ते देखे होंगे, बहुत सारे नस्ल के कुत्ते देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कुत्ता देखा जो कि इंसानों से हूबहू बहुत हल्का हल्का मिलता भी? दोस्तों यह कुत्ता का नाम योगी है, जो कि बहुत ही यूनिक कुत्ता है और यह आदमियों के जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों पेरिस के आईफिल टावर के विषय में तो आप जानते ही होंगे, या दिन में कुछ ऐसा दिखता है और रात में कुछ ऐसा दिखता है, तो रात में कुछ ऐसा चमकदार क्यों दिखता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रात के टाइम यहाँ बल्ब जलाया जाता है दोस्तों, और वहाँ बल्ब कितना लगाया गया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बल्ब कम से कम 20,000 बल्ब लगाया गया है, जो कि एक छोटे से गांव के बराबर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, और यह सोना के कलर का पूरा दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक दिखता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जापान के जो ट्रेन है वो कितना स्पीड में चलता है दोस्तों, बुलेट ट्रेन है वो कितना स्पीड चलता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं वहाँ का जो रेल है ना 350 से 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ ट्रेवल करता है। वहाँ अगर खिड़की के सामने अगर वहाँ कोई सामान रहता तो वह हिलेगा तक नहीं, और वहाँ लगेगा ना कि हम घर में हैं, ऐसा लगता है वहाँ का रेलगाड़ी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जो आप बर्फ़ देख रहे हैं या गर्म पानी करके उसे ठंडा करके फिर से फ्रीज किया गया दोस्तों, जो कि कितना साफ दिख रहा है, लगता है कि कोई आरओ का पानी है, कोई कांच है दोस्तों। और जो बर्फ़ देख रहे हैं ना, ये बर्फ़ डायरेक्ट नल के पानी से बनाया गया है दोस्तों, तो यह कितना ज़्यादा वाइट वाइट दिख रहा है दोस्तों। तो आप दोनों में डिफरेंट खुद ही देख सकते हैं कि गर्म पानी कितना साफ होता है, जो नल का पानी डायरेक्ट होता है कितना, मतलब कैसा दिख रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बेटर है। इसलिए ना कि हमें आरओ का पानी पीना चाहिए, जो उस पर साफ रहता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जो आई बॉल है, जो हमारा आँख का जो आई बॉल है वो कभी बढ़ता नहीं है दोस्तों, जैसे ना हम बच्चा है और वो बड़ा है, तो उस दोनों का सेम ही आई बॉल रहेगा, जितना बड़ा बचपन में जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा मतलब बड़ा में रहेगा ओल्ड मैन को, तो ऐसा कुछ फैक्ट है ये भी, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यह दादी माँ का जो फिगर है ना, जो दादी माँ का फिगर आँख दिख रहे हैं वो छोटा सा दिख रहा है, और यह बच्चे का आँख बड़ा दिख रहा है, ऐसा क्यों दोस्तों? दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो बच्चा है ना उसका फेस छोटा है इसलिए उसका आँख बड़ा दिख रहा है, और जो दादी माँ का फेस हल्का बड़ा हो गया है तो आँख छोटा दिख रहा है, इसका डिफरेंट है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर एक घोड़े को तंदुरुस्त करके मस्त चना उना खिला कर तंदुरुस्त करके अगर दौड़ाया जाए तो कितना स्पीड से दौड़ सकता है दोस्तों? तो ऐसा टेस्ट किया गया है यूएसए के पेंसिल्वेनिया शहर में दोस्तों, एक घोड़े को मस्त चना उना खिला के तंदुरुस्त करके उसमें दौड़ाया गया दोस्तों, तो वह घोड़ा लगभग 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ा था दोस्तों। यह घोड़े का नाम विनिंग ब्रू था दोस्तों, और यह यूएसए के पेंसिल्वेनिया शहर में दौड़ाया गया था, ऐसा किया गया था दोस्तों। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं कि अपने जीत के आगे अपने फैशन को कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, वो ऐसा पूरा कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा ही एक इंजीनियर जो सबसे लंबा कार बनाने में सक्षम है दोस्तों, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबा कार दोस्तों। यह कितना लंबा है दोस्तों? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह 100 फीट लंबा है दोस्तों, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें टायर 26 लगे हुए हैं दोस्तों। इस कार का नाम दोस्तों मैसिव लिमोसिन है दोस्तों, जो कि बहुत लंबा कार है और यह दुनिया का सबसे लंबा कार है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह, और उसके पास 29 मून है, जो कि बहुत हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है। हमारे पृथ्वी में मात्र एक ही मून है, एक ही चांद है, और बृहस्पति ग्रह का जुपिटर का
79 चांद है दोस्तों। अगर उसे टेलीस्कोप से देखा जाता है तो उसमें मात्र 4 ही मून दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को इस चैनल में मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, और हमारा पिछला वीडियो एंजॉय करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।